आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 10 साइन और कोसाइन फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशन। एक्सरसाइज है 10.2। पहला ये है जिसमें हमको ए स्क्वायर इसको प्रूव करना है, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4bc cos स्क्वायर a बाई 2। अब इसमें देखिए सीधा cos a का फॉर्मूला आपको लगाना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। जैसे मैंने आपको बताया था, जहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले टर्म दिखे और जहां पर आपको cos वाला टर्म दिखे, इसका मतलब आपको कोसाइन फॉर्मूला लगाना है। यहां पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2bc cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं और इस ए स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, और इस जब ये बन गया तो cos a को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, यानी कि सीधा समझिए कि 1 प्लस cos a होता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2। अब यहां जो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 है, इस 2bc को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो 4bc बन जाएगा इसके साथ, ये आपका इसके साथ 4bc cos स्क्वायर a बाई 2 और माइनस माइनस प्लस प्लस 2bc बन जाएगा। फिर ये देखिए, ये है बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही तो बना, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, बाकी आपका माइनस 4bc cos स्क्वायर a बाई 2 है ही, यही प्रूव करना था इसमें। नेक्स्ट वाले में है आपका ये जो टर्म है इसको बताना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कि जो 1 प्लस cos a होता है या cos थीटा होता है, जैसे कहीं 1 प्लस cos थीटा बाई 2 होता है, ये आपका cos स्क्वायर a बाई 2 के बराबर होता है। इस cos स्क्वायर a बाई 2 की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस cos a बाई 2 इसी फॉर्मूले से, ऐसे ये 1 प्लस cos b बाई 2, ऐसे ही ये 1 प्लस cos c बाई 2। इससे क्या बनेगा, पहले आप 4 सब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये 2 से 2 कट गया, ऐसे यहाँ 4 आएगा तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बनेगा 2bc मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2bc प्लस 2bc cos a। इसी तरीके से यहाँ पर क्योंकि 4 अंदर आया, 2 से 2 कट गया, तो 2ca बना, 2ca को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2ca को cos b से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही 2ab और 2ab cos c आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो 2ab है और 2ac है और 2ab ac bc इनको आप एक साथ ले लीजिए, यानी कि ये हो गया 2ab प्लस bc प्लस ca। ये जो तीनों संख्याएं 1, 2 और 3 इनको साथ ले लीजिए, यहां पर बस cos a की जगह रखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ऐसी ये सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, ये 2bc हो गया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए बी बाई 2ab, ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, क्या बना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पर यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दीजिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दीजिए और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर काट दीजिए, क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बना, और यहाँ आया 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का होता है, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। बी माइनस सी, ऐसी साइन क्यूब बी कॉस सी माइनस ए और साइन क्यूब सी कॉस ए माइनस बी। इसमें क्या करना है वो आप देखिए, सबसे पहले इस साइन क्यूब को लिख दीजिए, इस साइन क्यूब को हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, राइट, तो यहां साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए लिख दिया, यहां पर भी साइन स्क्वायर बी साइन बी और यहां पर साइन स्क्वायर सी साइन सी। अब इस ए की जगह, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, इस ए की जगह हम लिख रहे हैं पाई माइनस बी प्लस सी, पाई माइनस बी प्लस सी, इस बी की जगह रख रहे हैं हम पाई माइनस ए प्लस सी और इस सी की जगह रख रहे हैं पाई माइनस ए प्लस बी, यही से, तो ये क्या बनेगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन साइन बी प्लस सी बनेगा, ये आपका साइन ए प्लस सी बनेगा और ये आपका साइन ए प्लस बी बनेगा, राइट। अब आप देखें कि यहां पर आया है साइन बी प्लस सी और कॉस बी माइनस सी, आप जानते हैं क्या होता है, ये साइन 2b प्लस 2c होता है, साइन 2b प्लस 2c को खोलेंगे तो क्या आएगा, साइन योगा साइन 2b प्लस 2c बाई 2, यानी कि साइन बी बी प्लस सी, इसी तरीके से कॉस 2b माइनस 2c बाई 2 यानी कि कॉस बी माइनस सी, सेम इसी तरीके से करेंगे, ये होगा साइन 2c प्लस 2a और ये हो जाएगा साइन 2a प्लस 2b। अब इसमें इस साइन 2b को खोल दीजिए, साइन 2c को खोल दीजिए, सबको खोलिएगा ऐसे ही, इसको लिखेंगे 2 साइन बी कॉस बी, इसको लिखेंगे 2 साइन सी कॉस सी, इस तरीके से ओपन कर देंगे,
तो आप क्या बना, साइन स्क्वायर ए, ये चीज तो आ गई आपकी, ये जो बना ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो साइन स्क्वायर ए इंटू टू साइन बी कॉस बी, इसी तरीके से साइन स्क्वायर ए टू साइन सी कॉस सी, ये तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर बी को इसके साथ और साइन स्क्वायर सी को इसके साथ। अब यहां देखिएगा, जब अंदर मल्टीप्लीकेशन हो गया, जब हमने अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो यहां पर इस जगह पे आपका साइन स्क्वायर ए है। अब जानते हैं साइन रूल से साइन ए क्या होता है, के ए, इसको के स्क्वायर ए स्क्वायर लिख दिया। ऐसी ये जो टू यहां पर केवल कॉस भी बचाइए, ये जो साइन बी है इसको लिखिए के बी, साइन स्क्वायर ए जैसे के स्क्वायर ए लिखा वैसे ही साइन बी को लिखेंगे के बी। ऐसे यहां पर देखिए इस वाले को, ये साइन स्क्वायर ए के स्क्वायर ए, के स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहां पर साइन सी को आपने लिखा टू के सी। ऐसी साइन स्क्वायर बी को के स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन सी को टू के, ऐसी सारों को लिख देंगे। फिर आप देखिए के क्यूब, यहां पर के स्क्वायर इंटू के क्यूब होगा, और यहां से ए और बी, यहां पर भी के क्यूब ए और ये के स्क्वायर, ये कॉस बी वाला है ए कॉस बी। अब हम लेंगे कॉस ए वाला टर्म, कौन सा, यहां पर इसको देखिए, इस दोनों को देखिए, ये वाले को के क्यूब ए बी, के क्यूब ए बी, इसे ले लिया। तो अंदर क्या बचा, यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा ए कॉस बी और यहां पर बचा बी कॉस ए। इसी तरीके से अब कॉस सी और कॉस ए को देखिए, इससे हमने के क्यूब ए सी कॉमन लिया, इससे भी के क्यूब ए सी कॉमन लिया, तो कॉस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए बना। यहां पर भी देखिए इन दोनों को ले रहे हैं, कॉस बी और कॉस सी को, यहां पर हमने के क्यूब बी सी लिया और यहां पर हमने के क्यूब बी सी कॉमन लिया, तो अंदर बचा सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। तो ये क्या आया, ये क्या बना, ये आपका प्रोजेक्शन रूल से ये सी बनेगा, ये आपका प्रोजेक्शन रूल से ये बी बनेगा, और ये प्रोजेक्शन रूल से आपका ए बनेगा। ये आ गया, के क्यूब बाहर ले लीजिए, वैसे के क्यूब बाहर लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तीनों सेम टर्म है, थ्री थ्री ए बी सी इंटू के क्यूब आ जाएगा। अब इस के, क्योंकि के साइन है, हम इसको के ए, ये भी के क्यूब ए बी सी, ये भी के क्यूब ए बी सी, ये भी के क्यूब ए बी सी, तो के क्यूब थ्री ए बी सी आ गया। अब इसको लिखिए थ्री के ए के बी और के सी, और के ए क्या होता है, साइन ए होता है साइन रूल से, के बी क्या होता है, साइन बी होता है, के सी क्या होता है, साइन सी होता है, यही उत्तर है इसका। नेक्स्ट वाले में ये दिया हुआ है कि b प्लस सी बाय 12, सी प्लस ए बाय 13 और a प्लस बी बाय 15, ये आपको दिया हुआ है। आपको रेशियो निकालना है cos a, cos b और cos c का। तो इसमें क्या करेंगे हम, इनको ये जो तीन है, अगर ये रेशियो दिया है इसको हम मान लेते हैं कोई लैम्डा या k, जो आपकी मर्जी हो, लैम्डा k मान लीजिए। अब क्या करेंगे, b प्लस सी क्या हो जाएगा, जैसे मैं एक लिख के बताता हूँ आपको, b प्लस सी बाय 12 ये आपका लैम्डा है, तो b प्लस सी क्या होगा, लैम्डा इंटू 12 या 12 लैम्डा कर दीजिए। इसी तरीके से सी प्लस ए हो जाएगा 13 लैम्डा, इसी तरीके से ए प्लस बी हो जाएगा 15 लैम्डा। अब इनको जोड़ दीजिए, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दीजिए, ये आपका बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी आ जाएगा, और राइट हैंड साइड को जोड़ दीजिए 12 लैम्डा 13 लैम्डा 15 लैम्डा, ये राइट हैंड साइड जुड़ गया। अब यहाँ पर देखिए ये इसलिए बनेगा, ये है 2a, ये 2b और 2c, तो 2a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, ये 12 प्लस 13 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 40 लैम्डा। तो 40 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, a प्लस बी प्लस सी आपका 20 लैम्डा आ गया। अब एक को मैं बताता हूं, जैसे a प्लस बी प्लस सी आपका आ गया 20 लैम्डा, और a b प्लस सी है आपका 12 लैम्डा, तो माइनस करिए इसको, माइनस माइनस माइनस, तो बी और सी कैंसिल हो जाएंगे, a आपका आएगा 20 माइनस 12 यानी कि 8 लैम्डा। इसी तरीके से इसका भी करना है, c प्लस ए और a प्लस बी का, बिल्कुल जैसे मैंने बताया सेम, यहां पर b प्लस सी रखा था, यहां पर c प्लस ए रख दीजिए, a प्लस बी रख दीजिए, तो b 7 लैम्डा आ जाएगा, c 7 लैम्डा आ जाएगा। अब आइए cos a cos b cos c का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि cos a cos b cos c का आपको रेशियो पता करना है। cos a cos b cos c में मतलब cos a में आप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc है। अब बी स्क्वायर की जगह, क्योंकि b आपके पास ऑलरेडी है 7 लैम्डा, 7 मैं एक करके दिखाता हूं आपको, cos a कर रहे हैं, ये देखिए बी स्क्वायर, बी कितना है 7 लैम्डा, 7 लैम्डा का होल स्क्वायर, फिर आपका सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कितना है 5 लैम्डा का होल स्क्वायर, फिर माइनस करिए, ये माइनस है किसका, ए स्क्वायर का, तो 8 लैम्डा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका 2bc, 2 बी क्या है 7 लैम्डा और सी है 5 लैम्डा, तो क्या बना 7 × 7 = 49 लैम्डा स्क्वायर, 5 × 5 = 25 लैम्डा स्क्वायर, माइनस 8 × 8 = 64 लैम्डा स्क्वायर, बाय 7 × 14 = 14 × 5 = 70 और लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, तो ऊपर क्या बना 49 प्लस 25 और 49 प्लस 25 होता है, ये बनेगा
49 + 25 तो 9 और ये 1 14 4 1 करिए 4 5 6 7 74 बना तो ये हो जाएगा 74 माइनस 64 मतलब 10 74 ये हो गया और माइनस 64 तो 10 लैम्डा स्क्वायर बाय 70 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर कैंसिल 00 कैंसिल 1/7 इसी तरीके से कॉस भी कॉस से निकालेंगे आप 1/2 11/14 आएगा तो इसका रेशियो करेंगे इस टू से मतलब ये कॉस से कॉस भी कॉस का रेशियो निकालेंगे तो 1/7 इस टू 1/2 इस टू 11/14 अब सबको आप ये जो 1/7 आया है और 1/2 आया है और 11/14 आया है इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे आप कर दीजिए 14 से कर दीजिए सबको 14 इससे करिए 14 इससे करिए 14 इससे करिए तो 7 × 2 = 14 2 आ गया यहाँ पे 2 × 2 = 4 2 × 7 = 14 7 7 आ गया यहाँ पे और 14 कैंसिल 11 आ गया ये इसका रेशियो आ गया। अब सवाल में दिया हुआ है एंगल भी आपको 60 डिग्री एक ट्राइंगल आपको प्रूव करना है ये चीज तो सबसे पहले कॉस भी लगा देते हैं कॉस भी हाफ होता है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac है 2 कैंसिल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका ac के बराबर हो जाएगा ये पहली इक्वेशन है हमारी। अब देखिए इसको प्रूव करना है तो ये जो इक्वेशन है इस पर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं जैसे a a a स्क्वायर b ये a a a स्क्वायर फिर a × b - ab फिर a × c ac फिर ba ये हो गया b − b − b² और b × c = bc फिर यहाँ c × a ac फिर c − b − bc और ये c × c = c². अब देखिए ये ab कैंसिल हो गया यहाँ पर bc कैंसिल हो गया तो क्या बचा a² - b² और ये ac है ये भी ac है यानी कि 2ac हो गया इस 3ac को यहाँ ले आइए तो -3ac बनेगा तो ये बनेगा -ac a² + b² - ac और इस b² को यहाँ ले जा लीजिए a² + c² - ac b² और ये वही ये था तो ये दोनों से प्रूव हो गया कि भाई अगर 60 डिग्री है तो ये होल्ड करेगा। नेक्स्ट वाले में है आपका कि cos² a हुआ है कि cos² a प्लस cos² b प्लस cos² c अगर 1 है एक ट्राइंगल ABC में तो आपको बताना है कि ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है यानी कि कोई एक एंगल इसमें 90 डिग्री है। तो आप देखें कैसे करेंगे ये है cos² a cos² b cos² c इस c को हम लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी ये बराबर होता है पाई यानी कि 180 डिग्री तो इस c की जगह हम पाई माइनस बी प्लस ए लिखेंगे तो पाई माइनस बी प्लस ए यानी कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है लेकिन क्योंकि स्क्वायर है इसलिए प्लस ही रहेगा cos² b + a या a प्लस बी आप इसे कह सकते हैं। अब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे इसको लिखेंगे 1 - cos² b + a या a प्लस बी। अब यहां पर क्योंकि ये 1 - cos² थीटा क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता है 1 तो इस 1 - cos² थीटा की जगह हम sin² थीटा लिख देंगे यानी कि sin² b + a लिखेंगे। अब इसको ऐसे मानेंगे ये है sin b + a या a प्लस बी और इसका स्क्वायर अब sin a + b का फॉर्मूला लगा दीजिए sin a cos b प्लस cos a sin b स्क्वायर चलेगा। अब स्क्वायर कर दीजिए इसको यानी कि this² + this² + 2 this in this यानी अगर हम इसको x और y माने तो x² + y² + 2xy x इसमें ये है y ये है और 2 × x × y तो इससे क्या बनने वाला है पहले तो इसको देखिए कि यहां पर इसको यहां रहने दीजिए यहां से यहां तक ना इसको यहां रहने दीजिए बाकी संख्याओं को आप यहां ले आइए यानी कि ये cos² a के साथ आप cos² a वाला टर्म ले आइए ये वाला इधर ले आइए और माइनस कर दीजिए तो cos² a कॉमन ले लीजिए 1 यहां बचेगा और माइनस sin² b यहां बचेगा। इसी तरीके से ये cos² b है और इस संख्या को इसके साथ ले आइए माइनस में तो क्या बनेगा cos² b कॉमन लेंगे तो cos² b 1 - sin² a। अब आप देखें ये जो है ये तो 2 sin a sin b cos a cos b तो दाएं हाथ पे है ही यहां पर आप देखिए कि ये हुआ cos² a ये क्या बना ये cos² a 1 - sin² b क्या होता है 1 - sin² b ये आपका होगा sin² b 1 - sin² b या ये कहे कि cos² 1 - sin² b यानी cos² a - cos² a sin² b ये तो हुआ। इसी तरीके से प्लस cos² b - cos² b sin² a
तो इससे अगर हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए कर ले तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और एक ये हुआ कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये कितना हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब इससे क्या हुआ देखिए, ये है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये कॉस स्क्वायर बी ये कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों तो बराबर हो गए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी हो गए, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब इसमें क्या होगा एक कॉस 2 और 2 एक कॉस 2 और 2 हटा दीजिए तो क्या बना कॉस ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी। अब इसको इधर ले आइए आप, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू जीरो आ गया। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है कॉस ए प्लस बी का, और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो मतलब ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई टू होगा, क्योंकि जीरो की जगह आप कॉस 90 लिख सकते हैं, मतलब ए प्लस बी 90 के बराबर हुआ, ए प्लस बी 90 हो गया, ए प्लस बी 90 है तो सी बराबर 90 होगा, इसमें रख दीजिए आप ए प्लस बी 90 है यहां ले आइए तो सी क्या होगा 180 माइनस 90 यानी कि 90, और कोई एक एंगल 90 डिग्री है इसका मतलब ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। यदि एक ट्राइंगल में कॉस सी बराबर साइन ए बाय टू साइन बी है तो आपको प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है कि जिसके दो साइड इक्वल है, मान लीजिए ये दोनों इक्वल है तो आप ये कहेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसके लिए सबसे शुरुआती हम ये साइन रूल लगाएंगे, आप जानते हैं साइन ए बाय ए के या ए बाय साइन ए के, तो साइन ए को हम के ए साइन बी को हम के बी और साइन सी को हम के सी लिख सकते हैं। यहां पर हम इस 2 साइन बी को मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर, तो 2 साइन बी कॉस सी साइन ए के बराबर होगा, कॉस सी का फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2 ए बी। अब ये जो कॉस देखिए हमने कॉस सी की जगह ये लगाया 2 जो इस 2 यही कहीं रहा, साइन बी की जगह हमने रख दिया के बी, ये साइन बी की जगह के बी रख दिया, ऐसे साइन ए की जगह हमने के रख दिया, इस के को हटा दीजिए तो क्या बनता है 2 कैंसिल हो गया यहां पर और बी कैंसिल हो गया यहां से और ए को यहां ले गए तो ये ए स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बन गया, इसको हटा दीजिए बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को यहां ले आइए बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर यानी कि बी और सी बराबर है। इसका मतलब ये ट्राइंगल ए बी सी आपका, अगर ये बी है ये सी है तो ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये सवाल है इसमें दो शेप्स है, पहले सवाल बता देता हूं फिर इसको समझाऊंगा। टू शिप्स लीव अ पोर्ट एट द सेम टाइम, वन गोज 24 किलोमीटर एन आवर इन द डायरेक्शन नॉर्थ 38 डिग्री ईस्ट, अनदर ट्रेवल्स 32 किलोमीटर एन आवर इन द डायरेक्शन साउथ 52 डिग्री ईस्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। इसमें कुछ इस तरीके से बनेगा, पहले आपको ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये बनाना होगा। अब ये कहा गया है कि जो पहला शिप है वो 38 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ है ये ईस्ट है तो नॉर्थ पहला है नॉर्थ ईस्ट कहा गया है इसको, इस तरीके से दिया गया एन 38 डिग्री ईस्ट, तो नॉर्थ के ईस्ट में 38 डिग्री है तो ये एंगल बनेगा 38 डिग्री, वो इधर से इधर की तरफ एंगल हम बनाते हैं। अब जो दूसरा एंगल दिया है वो ये है, इसकी जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा जो है शिप इसका बताया गया है साउथ, इसको इस तरीके से दिया हुआ है साउथ 52 डिग्री ईस्ट, तो साउथ इसका 52 डिग्री ईस्ट में तो ये एंगल हो गया, ये इनकी स्पीड क्या है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको डिस्टेंस बताना है बिटवीन द शिप एट द एंड ऑफ 3 आवर्स, इनके बीच में 3 घंटे तक ये चले और इनके बीच में आपको दूरी बताना है, मतलब ये ऐसे दूरी बतानी है। तो सबसे पहले आप देखें इस फिगर में ये जो ओपी है, जो ओपी है वो कितना बनेगा, क्योंकि यहां से यहां तक ये 3 घंटे में कितना चले 24 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर एन आवर इनकी स्पीड है और आप 3 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आवर, आप जानते हैं कि डिस्टेंस होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना होता है स्पीड इंटू टाइम 24 इंटू 3 तो ये कितना बन जाएगा 72, ये 72 आ गया। इस तरीके से ओ क्यू निकाल लीजिए, 3 घंटे में 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना चलेंगे 32 इंटू 3 यानी कि 96 हो गया।
अब हम लगाएंगे इसमें कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये है पी क्यू स्क्वायर, यानी कि ये जो डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर माइनस टू ओ पी ओ क्यू इंटू कॉस 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री आया, ये 38 है, ये 52 है, कुल मिला के कितना होता है यहां से यहां तक 180 डिग्री। 180 डिग्री में आप माइनस करिए 38 और माइनस करिए 52, कितना आएगा 90 डिग्री। तो यहां पर 90 डिग्री आ जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपका 120 किलोमीटर आएगा, इसका रूट लेंगे ना तो 120 किलोमीटर आएगा। ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज के, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।